गाइस बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स की बातें की जाएं। जैसे कि हमारे सेगमेंट का ही नाम है स्पोर्ट्स मज़ा, और हम स्पोर्ट्स की बातें आजकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अच्छा शाम को हम लोग चाहते क्या हैं, शाम टाइम है, अच्छा खाना हो और हमारे साथ स्पोर्ट्स की दुनिया हो जिसमें हम इंजॉय कर सकें और खुल के, मतलब ना खुल के मज़ा आ जाए। स्पोर्ट्स से हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं, और खेलने में जितना मज़ा आता है देखने में मज़ा आता है, और जब हमारी फेवरेट टीम खेल रही हो और जिस खेल के साथ हमारा दिल जुड़ा हो उसमें तो और मज़ा डबल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई बड़ा मैच होता है जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो उसमें इतना मज़ा आने वाला था कि उस रात उस दिन सुबह से हम इतने लोग इतना खुश थे कि शाम को आज कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब तो हमारी लाइफ का एक अच्छा दिन और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन कि आज बिल्कुल बोर नहीं होने वाले रोज की तरह, आज कुछ मजा आने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। दोस्तों स्पोर्ट्स से हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों ना आप वो हर दिन आपकी शाम को अच्छा बनाया जाए विद स्पोर्ट्स मजा। यहाँ पर हर स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के बारे में बात करेंगे ज़्यादा, फुटबॉल के बारे में नहीं करेंगे, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, बहुत सारे खेल हैं। और जितना ज़्यादा हम स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे और जितना ज़्यादा हम स्पोर्ट्स देखेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट भाई, क्रिकेट का कोई बड़ा मैच चल रहा है तो ठीक है, और जब छोटे मैच चल रहे हैं मज़ा नहीं आता, तो आप हॉकी को देख सकते हो या फिर जिस जो भी आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ही देखना पड़ेगा या हॉकी ही देखनी पड़ेगी, आपके पास फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, और ऐसा नहीं है कि मेंस का सिर्फ देखो, विमेंस का भी देखो। मतलब सोच रहे हो ना कि आप मेंस से मज़ा लिया और आप जाके विमेंस पे भी, अगर मेंस का मैच नहीं है तो आप विमेंस का मैच इंजॉय कर सकते हो, इससे डबल मज़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज यार मेंस का मैच था जैसे शायद क्रिकेट का था, कल कोई मैच नहीं है, और कल अगर लेकिन वुमेन्स का मैच है तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो और मज़ा आने वाला है ना। मतलब आप इतना समझ लो कि हर दिन आप लोग आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला है, आपकी हर शाम स्पेशल होने वाली है। दोस्तों चलिए कर शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड स्पोर्ट्स मजा का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। जैसा कि आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम पहले पाकिस्तान से खेली, न्यूजीलैंड से खेली, और बाकी के भले ही वो 3 मैच हार जीत गई और पहले के 2 हार गई, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसे देखकर लोगों ने पता नहीं कितने सारे सवाल उठा दिए कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए जीत के लिए, वैसा करना चाहिए, इंडिया में ये ठीक नहीं था, इंडिया में ये नहीं ठीक था। यार हजार बातें नहीं थी, इंडिया में सिर्फ एक ही चीज़ कमी थी कि उन्होंने अच्छी तरह क्रिकेट नहीं खेला। अगर हम जितना सवाल उठा रहे हैं उतना टाइम हम, अगर इंडियन क्रिकेट टीम अपने गेम को अच्छा खेले, अपने गेम को इम्प्रूव करे, और मतलब सिर्फ गेम को एंजॉय करने की ज़रूरत है, और अपना गेम इस लेवल पे ले जाएं कि आपसे अच्छा कोई क्रिकेट ना खेल पाए, तो आप कोई भी मैच हार नहीं सकते, वर्ल्ड कप क्या चीज़ है। दोस्तों बात करें इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम भी न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली है फरवरी में, और वर्ल्ड कप होने वाला है अप्रैल मार्च में विमेंस टीम का। और सबसे बड़ा तो मजा तब आने वाला है जब हम कॉमनवेल्थ गेम में इस बार क्रिकेट को देखेंगे, विमेंस क्रिकेट को देखेंगे, और शुरुआत ही इंडिया करेगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मतलब सोच लो कॉमनवेल्थ में एक और मेडल पाने की उम्मीद बढ़ चुकी है। उम्मीद नहीं, अगर इंडियन टीम अपना बेस्ट गेम खेलेगी और गेम को एंजॉय करेगी, गेम सबसे अच्छी तरह खेलेगी तो जीतेगी। आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप इस लेवल तक पहुंचे कि आपसे बढ़िया कोई क्रिकेट खेल ना पाए, और आपको खेलते वक्त मज़ा आए, जितना ही आप इंजॉय कर पाएंगे मुझे लगता कोई मैच आप हारोगे। दोस्तों बात करें इंडियन फुटबॉल टीम की मेंस, तो दोस्तों कि आपको पता है कि अभी अभी इंडियन फुटबॉल टीम ने SAF चैंपियनशिप जीती है, और अब शुरू होने वाला है इंडिया में सबसे बड़ी लीग, हीरो इंडियन लीग, मतलब IPL की शुरुआत होने वाली है, मजा आने वाला है। अलग अलग टीमें होंगी, बेंगलुरु, केरला, बहुत
और बहुत कुछ। सुनील छेत्री लिखेंगे हमें एक्शन में, जो मतलब ना एक गजब प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया देखा उसके बाद कुछ है नहीं। देखो आईसीएल, मजा आने वाला है। नए नए प्लेयर आपको फुटबॉल टीम के दिखेंगे जो एक ते करतब दिखाएंगे। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा होगा, वैसे ही हमारे इंडिया से अच्छे अच्छे प्लेयर निकलने वाले हैं। बस बात है कि वो अच्छी तरह गेम खेलें और अपने गेम को इंजॉय करें। जितना आप अच्छा फुटबॉल खेल पाएंगे कभी आप मैच नहीं हारेंगे, अगर सिर्फ आप अपने फुटबॉल को इंजॉय करते हैं और अपना गेम सबसे अच्छी तरह खेलते हैं। दोस्तों बात करें इंडियन फुटबॉल टीम वीमेंस की, तो उसका भी आईसीएल होने लगेगा, जल्दी ही होने लगेगा। अभी तो कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, लेकिन वीमेंस फुटबॉल टीम भी कम नहीं है। मैंने दो चार प्लेयर ऐसे देखे कि एकदम गजब खेल रहे हैं और उनके नाम आगे आ रहे हैं, तो उम्मीद होगी कि उनका भी आईसीएल होगा और वो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट इंटरनेशनली खेलेंगे और बहुत सारी ट्रॉफियां हमारे लिए जीतेंगे। दोस्तों बात करेंगे अब इंडियन हॉकी टीम की। सो इंडियन हॉकी टीम इस बार मेंस और वीमेंस दोनों की बात कर रहे हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जा रही है। कुछ यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे वैक्सीन कार्ड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, इसीलिए इंडिया भी नहीं एक्सेप्ट किया। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, इसीलिए हमारी इंडियन एक एक्शन है छोटा सा कि आपने गलत किया है, ये दिखाने के लिए हमारी इंडियन और मेंस और वीमेंस हॉकी टीम इस बार कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जाएगी। दोस्तों बात करें अब बैडमिंटन की, तो लेटेस्ट अपडेट बैडमिंटन से ये है कि आप डेनमार्क ओपन में अपने सारे इंडियन बैडमिंटन हीरोज़ को देख सकते हैं उनके एक्शन में और उनके खेल के मजे ले सकते हैं। वो भी अपने गेम को एंजॉय करते हैं और अच्छी तरह खेलते हैं, लेकिन आप हर शाम को मज़ा ले सकते हैं ना उनका गेम देख के। और प्रो कबड्डी 22 दिसंबर को शुरू होने वाला है, मजा आने वाला है। कबड्डी 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 दोस्तों, बाय बाय।